नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं देवभूमि मिरर टीवी। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल व देश के 35 प्रमुख व्यापारिक संगठनों द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया गया। व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि व्यापारियों की सभी समस्याओं का समाधान केवल एकल बिंदु GST कर ही है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के अध्यक्ष विपिन कुमार बंसल ने देवभूमि मिरर की टीम से बातचीत में कहा कि एकल बिंदु GST पद्धति में निर्माता स्तर पर ही पूरे कर की वसूली कर ली जाए, जिससे विक्रेता वर्ग को जिनकी करदाता संख्या 80% के आसपास है, उन्होंने कहा कि एकल बिंदु GST लागू होने से व्यापारी वर्ग को GST के झंझट से भी मुक्ति मिल जाएगी और कर की चोरी भी रुकेगी, जिससे सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी, जिसमें खुदरा मूल्य उचित होने से उपभोक्ता को भी राहत मिलेगी। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल एवं देश के 15 राज्यों से 35 प्रमुख व्यापारिक संगठनों के लगभग 1000 व्यापारी नेताओं का एकल बिंदु GST कर के समर्थन में जंतर मंतर पर खुदरा एवं विदेशी निवेश के विरोध में एक दिवसीय धरना एवं व्यापारिक सभा का आयोजन किया गया और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल ने बताया कि एकल बिंदु GST कर के प्रस्ताव को फेडरेशन द्वारा अप्रैल में प्रधानमंत्री को सौंपा गया और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा वित्त मंत्री अरुण जेटली की बीमारी के चलते केंद्रीय वित्त सचिव हंसमुख अधिया को एकल बिंदु GST हेतु अधिकृत किया, जिस पर फेडरेशन के एक शिष्टमंडल ने कार्यकारी अध्यक्ष जयेंद्र तन्ना के नेतृत्व में अप्रैल में एक विस्तृत प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की। सरकार द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है और व्यापारी वर्ग इस संबंध में स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहा है। एकल बिंदु GST के समर्थन में देश भर में लगातार व्यापारियों की जगह जगह पर सभाएं हो रही हैं और सभी व्यापारियों संगठनों ने हल्ला बोला है। प्रधानमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में व्यापारिक संगठनों द्वारा मुख्य रूप से एकल बिंदु GST की मांग की गई है। नमस्कार, हम स्वागत करते हैं आपका दिल्ली के जंतर मंतर में। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल द्वारा आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदुस्तान के व्यापारियों को बुलाकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया है। हमारे साथ हैं इसी मुद्दे पर बात करने के लिए ऑल इंडिया व्यापार मंडल के अध्यक्ष BK बंसल जी। हम बंसल जी से जानेंगे कि आज जो इन्होंने हिंदुस्तान के व्यापारियों को दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा किया है, उनके पीछे उनकी सरकार से मांगे क्या हैं। बंसल जी, सबसे पहले तो हम आपका देवभूमि मिरर न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने जो हिंदुस्तान के व्यापारियों को दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा किया है, इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, व्यापारी वर्ग नोटबंदी हुई व्यापारियों पर, व्यापारियों ने उसको झेल लिया, उसको अपने सिस्टम का हिस्सा बना लिया, फिर GST आई, हमने GST भी स्वीकार किया, पर जब GST के नए नए प्रावधान आए, GST में नई नई परेशानी आई, तो हम विचलित होना शुरू हुए। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या है कि हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम साधन संपन्न नहीं हैं, हम कंप्यूटर भी चलाना नहीं जानते, हम आज भी पुराने मोबाइल यूज करते हैं, हम कैसे पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हैं। सरकार को भारत की स्थिति देखना चाहिए कि व्यापारी गाँव में भी रहता है, कस्बों में भी रहता है, पूरा हिंदुस्तान शहर में नहीं बसता है। आज भी हमारे यहाँ बिजली नहीं है, टेलीफोन नहीं है, कितने गांव ऐसे हैं जहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। खैर, आपने GST लगाया, हमने स्वीकार किया, कोई दिक्कत नहीं हुई, पर आज एक सुझाव आया है कि क्यों ना व्यापारी वर्ग को GST से मुक्ति दे दी जाए और निर्माता स्तर पर ही पूरा GST MRP के ऊपर। सरकार को MRP पर GST चाहिए, फाइनली जो कंज्यूमर को प्रोडक्ट जाता है उसका जो भी कंज्यूमर मूल्य है उस पर GST चाहिए। तो वो क्यों ना आप निर्माता स्तर पर ले लें। देश के 75% करदाता GST से बाहर निकल जाएंगे, सरकार को सिर्फ 25% GST के करदाताओं पर निगाह रखनी होगी, टैक्स की चोरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, टैक्स का कंप्लायंस बिल्कुल आसान हो जाएगा और गवर्नमेंट मशीनरी पूरी की पूरी 25% को निगाह में रखेगी तो कोई टैक्स का रेवेन्यू का लीकेज नहीं हो पाएगा। दूसरा मुद्दा FDI हमारे लिए एक वो किलर है, वो एक स्लो पॉइजन है जो वक्त के साथ हमें ख़त्म कर देगा। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने, पूरा देश उन्हें हड़प लिया। आज हम जब अपने आप ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 200-300 साल पहले, आज हम बुलाने जा रहे हैं उन्हें, जगह जगह जा रहे हैं कि आप आओ और हमारा देश में व्यापार करो, क्या होगा? व्यापारी बेरोजगार हो जाएगा, रोजगार देने वाला दूसरों के ऊपर रोजगार देगा, अपनी नौकरी करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा विरोध का मुद्दा है, सरकार को हम जगाना चाहते हैं। सरकार नहीं जागेगी तो आंदोलन भी होगा, इलेक्शन से पहले असहयोग भी होगा, यही हम लोगों का आज का मुख्य मुद्दा।
बंसल जी, अगर आपकी मांगों को सरकार अनसुना करती है तो उसके बाद का आपके पास रास्ता क्या है? असहयोग आंदोलन अब हमारे रास्ते, आज तो एक गुहार है, आज तो हम लोग सिर्फ एक रिक्वेस्ट करने आए सरकार से, पर आने वाले टाइम में हम आंदोलन और असहयोग करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद सर। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष राधेश्याम नारंग जी। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो अपने उत्तर प्रदेश में व्यापारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए कौन कौन से कार्य कर रहे हैं और जो फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल ने अपनी मांगें रखी हैं उनको वो व्यापारियों तक कैसे पहुँचा रहे हैं, क्योंकि ऑल इंडिया व्यापार मंडल के अध्यक्ष का कहना है कि व्यापारी वर्ग जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो कंप्यूटर चलाना नहीं जानता है, वो मोबाइल चलाना नहीं जानता है। तो आइए राधेश्याम जी से जानते हैं कि वो अपने व्यापारियों की इन कमियों को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश में किस स्तर का कार्य कर रहे हैं। राधेश्याम जी, अभी आपके फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि हमारा व्यापारी वर्ग जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जो है वो समाज की रीढ़ की हड्डी भी है, जो राजस्व है वो सबसे ज़्यादा व्यापारी वर्ग ही देता है, तो इन जो कमियाँ हैं व्यापारी वर्ग में उन कमियों को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? हम लगभग 4 साल से पहले उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल का गठन हुआ था, लेकिन जो संगठन व्यापारियों के हित में आवाज़ को अनदेखी करते थे उन्हीं के खिलाफ इस संगठन का निर्माण हुआ था, स्थापना हुई थी, और हम इस संगठन के मार्फत फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय सचिव विपिन बंसल जी की जो पहल हुई उस पहल को हम स्वागत करते हैं और इनका कंधे से कंधा मिलाकर समर्थन करेंगे, क्योंकि लगभग 2 साल से पूरे भारत का व्यापारी, उत्तर प्रदेश का व्यापारी परेशान है नोटबंदी से, जीएसटी से, लेकिन ये सरकार व्यापारियों की सरकार थी, व्यापारियों के सहयोग से ही आई थी, लेकिन ये व्यापारियों को ही सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। हम कहना चाहते हैं इस केंद्र की सरकार से, यदि सरकार में बिठा सकते हैं तो सरकार में उतार भी सकते हैं, वो दिन दूर नहीं जो देश का 12 करोड़ व्यापारी आपको विपक्ष में बैठाने का काम करेगा। मेरा ये मानना है यदि किसी देश ने पूरे वर्ल्ड में तरक्की की है, किसान मजदूर ने तो करी है, लेकिन उस देश की तरक्की के पीछे हाथ व्यापारी समाज का है। हम इस फेडरेशन के आह्वान पर एकल जीएसटी के पक्ष में पुरजोर विरोध करेंगे, समर्थन करेंगे और वर्तमान जीएसटी का विरोध करेंगे, और खुदरा बाजार में जो विदेशी निवेश है उससे हमारे मध्यवर्गीय व्यापारियों का व्यापार खत्म हो चुका है। व्यापारी आज आर्थिक तंगी में है, आर्थिक तंगी के साथ साथ मानसिक रूप से ग्रस्त हो चुका है और वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। हम इस केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं आने वाले 2019 के चुनाव से पहले यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई, उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारे बाबूजी हिमाचल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा सारे प्रांतों में व्यापारी एकता का लहर चलाकर इस केंद्र सरकार की कफन में कील साबित होगी। व्यापारी एकता जिंदा। नारंग साहब, आज कितने व्यापारी प्रतिनिधि आए हुए हैं उत्तर प्रदेश से? यहाँ पर उत्तर प्रदेश से कम से कम 150 व्यापारी प्रतिनिधि, टोटल मिलाकर 400-500 प्रतिनिधि आए हुए हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेशी व्यापारियों का और व्यापार मंडलों का अखाड़ा है वो शंभू नेता, जो अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए पार्टी की नीतियों का अच्छा बनने के लिए आज व्यापारी इतने आवाज नहीं उठा रहे। हम उन्हें भी कहना चाहते हैं कि विपिन कंसल जी की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर व्यापारी हित में एकर एक मंच पर आकर बिना मतभेद बुलाए इस लड़ाई को लड़ना है और व्यापारी को वही स्वाभिमान दिलवाना है जो एक देश में किसान मजदूर और शहीदों को सम्मान मिलता है, वही व्यापारी को सम्मान मिले। धन्यवाद नारंग साहब। नारंग साहब का कहना है कि जब तक व्यापारियों की मांगों को अनसुना किया जाएगा, हिंदुस्तान का व्यापारी मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर हो जाएगा, अन्यथा उनको व्यापारियों की मांगें माननी ही पड़ेंगी। आज जंतर मंतर पर जो फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है, इसमें हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और इसी मुद्दे पर हमारे साथ हिमाचल से आए हैं अमरचंद शर्मा जी। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं कि वो दिल्ली के जंतर मंतर पर क्यों आए हैं। शर्मा जी, आप दिल्ली के जंतर मंतर पर क्यों आए? आज हम दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने में सम्मिलित होने के लिए हिमाचल से आए हैं, क्योंकि इस वक्त व्यापारी वर्ग जो है वो हाथ हो चुका है अपने व्यापार से, आधे से ज़्यादा व्यापारी व्यापार छोड़ने में मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि जीएसटी की मार जो है और इसमें जो संविधान रखा गया है ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इसको अनपढ़ व्यापारी या
ज़्यादा उम्र का हो चुका व्यापारी, बूढ़ा व्यापारी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, तो इसकी सरलीकरण के लिए एकल बिंदु GST टैक्स भारत सरकार लगाती है, अगर हमारी मांग को मान लेती है तो हम आगे आने वाले चुनावों में उनका समर्थन करेंगे। अदरवाइज जैसे हमने इस सरकार को व्यापारियों ने भारतवर्ष में खड़ा किया था, बनाया था, उस इसका विरोध करके हम इसको डगा भी सकते हैं और इसको भगा भी सकते हैं। तो ये वाहन आज पूरे हिंदुस्तान में फैल गया है और इसकी मुहिम शुरू हो गई है आज जंतर मंतर दिल्ली से, और आने वाले कुछ चंद दिनों में ही इसका रिजल्ट सामने सरकार को मिल जाएगा। धन्यवाद अमरचंद शर्मा जी। दिल्ली के जंतर मंतर पर व्यापारी है, वो बहुत गुस्से में है। उनका कहना है कि पहले तो GST लगाया गया, उससे पहले नोटबंदी की गई जिसने व्यापारियों की कमर को तोड़ के रख दिया है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं राजेश कुमार खन्ना, जंतर मंतर दिल्ली। हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए देवभूमि मिरर TV के साथ।